हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की सो एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड एज अ वाइटल टूल फॉर सोशल एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट इट हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन एवेल्यूएटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एजुकेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाहे वो सोशल हो या नेशनल डेवलपमेंट के लिए ठीक है इट हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन evaluating the ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ the कंट्री हेंस एवरी नेशन इन the वर्ल्ड हैज़ बीन गिविंग emphasis टू the डेवलपमेंट ऑफ़ the educational सेक्टर ऑफ their कंट्री ठीक है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सो so, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए हमें एजुकेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एंड एजुकेशनल रिसर्चेज आर द मेन इनपुट एज वेल एज द आउटपुट टू ब्रिंग सच चेंज इन द एजुकेशनल सेक्टर तो एजुकेशनल सेक्टर को अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए एजुकेशन पे रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है वही एक इनपुट और आउटपुट होता है जिससे हम एजुकेशनल सेक्टर को किसी भी नेशन के डेवलप कर सकते हैं जिस जिससे नेशनल एज वेल एज सोशल एज वेल एज़ ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है सो वॉट इज़ रिसर्च रिसर्च इज़ द वेग ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है रिसर्च क्या है इट्स अ लॉन्ग जर्नी टूवर्ड्स सम डेवलपमेंट और सम डिस्कवरी कोई नई चीज़ खोज के लिए जो एक लॉन्ग जर्नी होती है वही रिसर्च है है ना इट इज़ द क्वेस्ट फॉर आंसर टू अनसॉल्व प्रॉब्लम ये क्या है एक मिशन है किसी अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक मिशन है जवाब देना या आंसर करने का वो प्रॉब्लम का जिसका उसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला ओके रिसर्च इज़ एन इन डेप्थ इंक्वायरी इन टू द प्रॉब्लम विच नीड एन एमिकेबल सोल्यूशन एवरी इन्वेंशन इन द वर्ल्ड हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ए साइंटिफिक इंक्वायरी रिसर्च क्या है एक इनडेप्थ in इंक्वायरी है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने का ओके okay. तो कोई भी इन्वेंशन अगर दुनिया में आप देख लें तो वो क्या है एक साइंटिफिक इंक्वायरी का रिजल्ट है अब जैसे कि न्यूटन ने जो इन्वेंशन करा न्यूटन ने जो ये थ्योरी निकाली ग्रेविटेशनल लॉ जो निकाला वो यू ही बस से गिराव नहीं निकाली उन्होंने उस पर प्रॉपर इंक्वायरी की एक प्रॉपर अनालिस हुआ उस पर और तब जाके उन्होंने इतनी सही मतलब कई सारी किताबें लिख डाली उस पर है ना सो रिसर्च कैन बी टर्मड एज द रि सर्च फॉर ट्रूथ और डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स और बिल्ड बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अ फेनोमिना क्या होता है रिसर्च ये एक सर्च फॉर ट्रूथ है किसी सच्चाई को ढूंढना डिस्कवर करना किसी नई चीज़ों को या एक नॉलेज को तैयार करना ही रिसर्च है ठीक है रिसर्च इज अस्टमैटिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी विच इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ डेटा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ वैलिड कंक्लूजन दैट मे लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन क्या है रिसर्च एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी है है न? सिस्टमेटिक होती है साइंटिफिक होती है जिसके वजह से हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ठीक है उसको प्रॉपरली हम अनालाइज करते हैं उसको फिर रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करके एंड देन हम एक वैलिड कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जिससे जाके एक अच्छी प्रॉपर फाइंडिंग के थ्रू हम कोई थ्योरी या प्रिंसिपल या उसको जनरलाइज कर पाते हैं है ना रिसर्च आल्सो मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द वैलिटी वैलिडिटी ऑफ एजम्पन एंड फार्मुलेटेड हाइपोथेसिस रिसर्च क्या है किसी भी एजम्पन को आ, के को टेस्ट करना उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करना या कोई हाइपोथेसिस जो हमने बनाया हुआ है उसको टेस्ट करना जैसे कि कुछ भी अगर हमने सोचा है कि हाँ ये सही है या गलत है तो उस चीज़ को टेस्ट करने का जो तरीका है वही रिसर्च है ओके okay. एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है अब तो हम ये जान लेते हैं एजुकेशन रिसर्च रिफर्स टू अस्टमेटिक अटेम्प्ट टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस जनरली विद अ व्यू इन इम्प्रूविंग इट एफिशिएंसी तो रिसर्च जो है जो सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जो साइंटिफिक एक्टिविटी है जब वो एजुकेशनल सेक्टर में हो रही है एजुकेशन में हो रही है तो वो क्या कहलाएगा तो क्या कहलाएगा ये एजुकेशनल रिसर्च ओके इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम ये क्या है साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना एजुकेशनल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए डैट इज़ एजुकेशनल रिसर्च ओके हम इसके डिफिनेशन पे आ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू गुड्स एजुकेशनल रिसर्च इज़ द स्टडी एंड एंड इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ़ एजुकेशन है ना फील्ड ऑफ एजुकेशन में अगर हम स्टडी या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो क्या है एजुकेशनल रिसर्च है मुनरो के अकॉर्डिंग द फ़ाइनल पर्पज़ ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च इज़ टू एसरटेन प्रिंसिपल एंड डेवलप प्रोसीजर फॉर यूज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है ना ये क्या मुंड्रो क्या कहते हैं कि फाइनल पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च क्या है प्रिंसिपल uh, को एंड डेवलप करना प्रोसीजर फॉर यूज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन प्रिंसिपल और प्रोसीजर बनाना किसके लिए एजुकेशन के फील्ड के लिए ही एजुकेशनल रिसर्च है मूले ने क्या कहा एनी सिस्टमेटिक स्टडी डिज़ाइन टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एज अ साइंस कैन बी कंसिडर्ड एजुकेशनल रिसर्च जो सिस्टमेटिक स्टडी है जो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है वो एजुकेशनल रिसर्च है क्राफोर्ड के अकॉर्डिंग एजुकेशनल रिसर्च इज़ अ अस्टमेटिक एंड रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग यूजिंग स्पेशल टूल्स इन ऑर्डर टू ऑप्टेन अ मेयर एडुकेट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम ठीक है एजुकेशनल रिसर्च क्या है एक सिस्टमेटिक एंड रिफाइंड टेक्निक है सोचने का ठीक है स्पेशल टूल को यूज़ करके क्या पता लगाने के लिए सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को किसके एजुकेशन के रिलेटेड ठीक है अकॉर्डिंग टू जे डब्ल्यू बेस्ट एजुकेशनल रिसर्च इज़ डेट एक्टिविटी विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन द अल्टीमेट एम ऑफ सच अ साइंस इज़ टू प्रोवाइड नॉलेज दैट विल परमिट द एजुकेटर टू अचीव हिज गोल्स बाय द मोस्ट इफेक्टिव मैथड एजुकेशनल रिसर्च क्या है वो एक्टिविटी है जो हमें डायरेक्ट करती है डेवलपमेंट के लिए साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन एजुकेशनल सिचुएशन में डेवलप करना ठीक है साइंस ऑफ बिहेवियर को एजुकेशनल रिसर्च है इसका एम क्या है ठीक है प्रोवाइड नॉलेज डेट परमिट एजुकेटर टू अचीव हिज गोल बाय द मोस्ट इफेक्टिव मैनर है ना कि जो गोल है क्या है गोल एजुकेश एजुकेशनल डेवलपमेंट उस गोल को प्रॉपर तरीके से अचीव uh, करना ही एजुकेशनल रिसर्च है ओके अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एम एजुकेशनल रिसर्च इज़ डेट एक्टिविटी विच इज़ डायरेक्टेड टुवार्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस एजुकेशन रिसर्च क्या है वो एक्टिविटी है जो डेवलपमेंट ऑफ मतलब दैट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन एजुकेशनल सिचुएशन में मतलब डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर को करना ठीक है दैट इज़ एजुकेशनल रिसर्च सो so, अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की इट इज इट सेट्स आउट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ठीक है ये किस लिए है या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं ठीक है इन एजुकेशनल रिसर्च द इन्वेस्टिगेटर रिलाइज ऑन फर्स्ट हैंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडरी डेटा टू अराइव एट सूटेबल कंक्लूजन हम एजुकेशनल रिसर्च में प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं ठीक है कुछ चीज़ों में प्राइमरी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सेकेंडरी डेटा मिल सकता है है ना तो आप हर एक बच्चे के पास जा जा कर कुछ कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं आप हर से डेटा वो नहीं ले सकते हैं तो आप सेकेंडरी डेटा का फिर इस्तेमाल करते हैं यूज़ करते हैं तो इस तरह से इस रिसर्च में प्राइमरी एज़ वेल एज़ सेकेंडरी दोनों डेटा का यूज़ होता है एजुकेशनल रिसर्च में एजुकेशनल रिसर्च रिलाईज़ ऑन एम्पेरिकल एविडेंस डेट गिवसटिफिक अप्रोच टू इट एजुकेशनल रिसर्च किस चीज़ पर रई करता है एम्पेरिकल एविडेंस पर व्हाट इज एम्पेरिकल एविडेंस मीन्स एम्पेरिकल मीन्स वो चीज़ें जो बेस्ड हैं किसी एक्सपीरियंस पे या सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना तो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है ओके okay. तो यही वजह है कि एक साइंटिफिक अप्रोच देती है राइट इट एम्फेसाइज़ द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल और थ्योरीज डेट विल भी हेल्पफुल इन प्रडिक्टिंग फ्यूचर एक्रेंस ये क्या किस चीज़ पे एम्फेसाइज़ होती है डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल और थ्योरीज हम जब एजुकेशनल रिसर्च करते हैं तो उसका कंक्लूजन हमें क्या मिलता है जो कंक्लूजन मिलता है वो या तो जनरलाइज होता है या उससे निकल कर कुछ प्रिंसिपल्स बनते हैं कुछ थ्योरीज बनती हैं जो फ्यूचर अक्यूरेंस को प्रेडिक्ट कर पाती है आगे कुछ भी इस तरह का सिचुएशन अगर होता है तो हम उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई रिसर्च है है ना कि तीन साल से आ, या पाँच साल से तीन साल से कम के बच्चों को अगर अपने स्कूल में एडमिशन कराया तो वो बच्चे वो ठीक से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उस वक्त उनको मदरली लव चाहिए होता है आप उस उसी वक्त आप उसको साइंस पढ़ाने लगेंगे तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना तो ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं ये ये क्या था एक एजुके रिसर्च है अब ये रिसर्च को हमने फ्यूचर में क्या क्या प्रेडिक्ट करके अब जो भी क्लासेस होती हैं जो भी स्कूल्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि थ्री एंड अबव के ही बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं ना तो ये क्या है इट्स अ रिजल्ट ऑफ सम एजुकेशनल रिसर्च ओके एजुकेशनल रिसर्च यूजुअली गोज़ बियॉन्ड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ग्रुप्स ऑफ सिचुएशन इन्वेस्टिगेटेड एंड इन्फर्स कैरेक्टरिस्टिक अ टारगेट ग्रुपएशनिटॉप फ्रॉम द सैम्पल ऑब्जर्व एजुकेशनल रिसर्च जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या ग्रुप या सिचुएशन का ही इन्वेस्टिगेशन नहीं करता बल्कि पूरे पॉपुलेशन का करता है कोई भी अगर हम सैम्पल ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उससे निकल के क्या आता है वो सैंपल को हम किस चीज़ में किस मतलब आ, उन पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं जहाँ से वो सैंपल निकल कर आता है ना तो ये है एजुकेशनल रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च एक्सेप्ट ओनली व्हाट कैन बी वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन सर्टेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डू नॉट टेंड डेमसेल्व टू रिसर्च प्रोसीजर एजुकेशनल रिसर्च जो है वही एक्सेप्ट करता है जो ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई है कोई भी क्वेश्चन अगर हम मेरे जहन में आ रहा है या किसी को आ, किसी का अगर वो क्वेश्चन है सवाल है तो ज़रूरी ना नहीं है कि वो रिसर्च भी होगा है ना कोई नॉर्मल से क्वेश्चन का हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है अब सिर्फ बच्चा पढ़ने में कैसा है इस पर रिसर्च नहीं होगी है ना उसके आप कुछ चीज़ें हैं उसको ही आप हाँ लाइक उसके सेल्फ़ कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर सकते हैं है ना और उसकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आप स्टडी कर सकते हैं ओके okay. कुछ एस्पेक्ट uh, हैं जिसको लेकर रिसर्च हो सकती है ना एंड दैट कैन बी वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन ऑल दो रिसर्च एक्टिविटी में एट टाइम्स बी सम वॉट रैंडम एंड अनसिस्टमेटिक इट इज़ मोर ऑफन कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टराइज बाई केयरफुली डिज़ाइन प्रोसीजर ऑलवेज अप्प्लाइंग रेग्रेस एनालिसिस एक तरह से कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये जो रिसर्च है एजुकेशन का ख़ास तौर पे ये रैंडम या अनसिस्टेमेटिक पर ऐसा नहीं है ये एक रिगरस एनालिसिस के बाद ही आप रिसर्च कर सकते हैं या के थ्रू ही रिसर्च करते हैं ओके okay, तो इट ऑलवेज अप्लाई रिगरस एनालिसिस रिसर्च स्ट्राइव टू बी ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल अप्लाइंग एवरी पॉसिबल टेस्ट टू वैलिडेट द प्रोसीजर एम्प्लॉयड द डेटा कलेक्टेड एंड द कंक्लूजन रीच द रिसर्चर अटेम्प टू एलिमिनेट पर्सनल बायस पर्सनल बायस बिल्कुल नहीं होना चाहिए रिसर्च में ओके okay, ये ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होता है और एवरी पॉसिबल टेस्ट इसमें लगते हैं किस लिए टू वैलीडेट द प्रोसीजर इम्प्रॉय जो भी हमने उसमें प्रोसीजर लगाया है उसको वैलिडेट करने के लिए टेस्ट होता है डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन अगर पर्सनल बायस जहाँ आ गया आपके रिसर्च में वहाँ वो रिसर्च uh, आपकी वेग हो गई बेकार हो गई इट अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज डेटा क्वान्टिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली टू अराइव एट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इट डिस्कवर न्यू फैक्ट्स इन न्यू परस्पेक्टिव डेट इज़ इट जनरेट्स न्यू नॉलेज ठीक है एजुकेशनल रिसर्च क्वान्टटिवली भी होता है एंड क्वालिटेटिवली भी होता है और इस तरीके से हम एक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रुनसेस पे पहुँचते हैं और तब जाके डिस्कवर होता है न्यू फैक्ट्स है ना न्यू नॉलेज इट मे ऑल्सो बेस्ड ऑन सम समासफिक थ्योरी ये कहीं ना कहीं किसी फिलोसफिक थ्योरी पे भी बेस्ड होता है एजुकेशन जो है एक फिलोसफिकल uh, है ठीक है आप तो इसकी जो रिसर्च भी होती है तो सम सॉर्ट ऑफ फिलोसफिकल थ्योरी पर भी बेस्ड होती है अब आते हैं हम स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कैन बी व्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ सब्सटैंडिव एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च मैथडोलॉजी द टू पैरामीटर आर इंटर रिलेटेड एंड आर रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक मैट्रिक्स नेक्स्ट टू इट स्कोप ऑफ एजुकेशन रिसर्च को हम दो तरीके से देखते हैं एरिया ऑफ एजुकेशन और रिसर्च मैथडोलॉजी के बेसिस पे तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरली समझ में आएगी कि देखिए एरिया ऑफ एजुकेशन बहुत सारे एरिया ऑफ एजुकेशन है जिसमें कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक फ़िलासफी ऑफ एजुकेशन टीचर एजुकेशन करिकुलम एजुकेशनल साइकोलॉजी सोशालोजी ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कंपेरेटिव एजुकेशन एजुकेशन मेजरमेंट एंड टेस्ट डेवलपमेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड अदर फील्ड्स अगर मेथोडोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें तो हिस्टोरिकल होता है डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल रिसर्च आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च तो जो ये एरिया ऑफ एजुकेशन है ये हर एक टाइप ऑफ रिसर्च के थ्रू हो सकता है है ना तो अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप इसका हर एक एरिया में है हिस्टोरिकल रिसर्च का भी डिस्क्रिप्टिव का भी एक्सपेरिमेंटल का भी और एक्शन का भी और अगर ऐसे देखा जाए तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जैसे कि फ़िलासफी ऑफ एजुकेशन है तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है आप सबको जानते होंगे हिस्टोरिकल रिसर्च मीन्स वो जो रिसर्च वो रिसर्च जो डिस्क्राइब करती है व्हाट वाज क्या था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है जो डिस्क्राइब करती है व्हाट इज़ है ना एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है वो जो डिस्क्राइब करती है वॉट विल बी एंड एक्शन रिसर्च तो आपको पता ही होगा कि दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेप ऑफ़ द साइंटिफिक मेथड टू एजुकेशनल प्रॉब्लम जो करेंट एजुकेशनल प्रॉब्लम के रिलेटेड उसको सॉल्व करने के लिए जो हम अप्लाई करते हैं रिसर्च को साइंटिफिक वे में वो एक्शन रिसर्च होता है ये थोड़ा लिमिटेड स्कोप होता है एक्शन रिसर्च का तो इन चारों टाइप ऑफ रिसर्च में हम एरिया ऑफ़ एजुकेशन को यूज़ करके रिसर्च कर सकते हैं जैसे फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं तो अगर हम इस तरह से रिसर्च करें कि क्या एजुके मतलब एजुकेशनल फ़िलासफ़ी थी डूरिंग दैट एरा तो वह हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया डिस्क्र वॉट इज़ या अगर हम आज की बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में अगर हम फिलासफ़ी की बात करते हैं एजुकेशन की या ठीक है तो वो फिलो मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया एक्सपेरिमेंटल व्हाट विल बी अगर आइडियलिस्टिक फिलॉसफी हो एजुकेशन की या अगर सिर्फ प्रैगमेटिक फिलॉसफी हो या सिर्फ मार्क्सिज्म वाली फ़िलासफ़ी एजुकेशन की अगर आ जाए तो क्या होगा तो इस तरह की जो रिसर्च हो गई तो वो एक्सपेरिमेंटल हो गई एक्शन रिसर्च अगर हम करेंट कोई स्कूल है है ना और उसके प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे हैं फिलोसफिकल वे में तो वो एक्शन रिसर्च हो गया इसी तरह से टीचर एजुकेशन में भी होता है अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि क्या था टीचर एजुकेशन तो वो हिस्टोरिकल हुआ डिस्क्रिप्टिव अगर हम करेंट की बात करें एक्सपेरिमेंटल अगर हम कुछ मतलब इंडिपेंडेंट एंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके कि अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा करें कुछ हम कंट्रोल uh, वेरिएबल कर दें कुछ स्टूडेंट्स पे हम एक्सपेरिमेंट करके अगर हम रिसर्च कर रहे हैं कुछ टीचर पे को हम कंट्रोल करके अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस तरह से अगर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुआ एंड इस तरह से सारे आप एरियाज ऑफ एजुकेशन में देख लो ठीक है एजुकेशनल साइकोलॉजी में तो होता ही है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में भी है ओके इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ओके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या था पहले या प्रिंसिपल के क्या रोल अगर ऐसे पहले क्या रोल थे डिस्क्रिप्टिव में अभी क्या है और एक्सपेरिमेंटल में अगर हम किसी कंट्रोल कि ये सारे एरियाज में अगर हम कंट्रोल वेरिएबल के साथ अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल है है ना और अगर हम करेंट किसी स्कूल का रिसर्च कर रहे हैं इस रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रिलेटेड किसी स्कूल में अगर हम कुछ प्रॉब्लम है बच्चों में और उसके थ्रू अगर हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स तो वो एक्शन रिसर्च हो गई है ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर हम कुछ बच्चे को हम मान लो आईटी आई के थ्रू पढ़ा रहे हैं और किसी को हम ट्रेडिशनल टीचिंग दे रहे हैं और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुआ है ना देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी लाइक कंपैरेटिव एजुकेशन भी आप जानते हैं वन देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन दो टू एस्पेक्ट्स ओके तो दैट इज कंपैरेटिव एजुकेशन ठीक है कंपेरेटिव एनालिसिस भी जिसको हम कहते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स एंड विजुअली हैंडी स्टूडेंट रिलेटिंग टू देयर एजुकेशनल uh, अचीवमेंट तो इस तरह के अगर स्टडी है तो वो कंपैरेटिव एजुकेशन कहलाएगा ठीक है तो इस तरह से ये एरियाज़ ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी मिलकर स्कोप ऑफ़ एजुकेशन को ब्रॉड किए हुआ है ओके okay. अगर uh, तो ये है व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सपेरिमेंटल एंड एक्शन रिसर्च तो इसे आप uh, देख लें और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से इसे समझेंगे then area wise classification an exemplar थ्री डी मॉडल ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च अगर हम और डेप्थ में अगर स्कोप ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं तो देखो आ, हर एक लेवल पे एजुके इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल रिसर्च का प्रोफेशनल लेवल हाइयर लेवल सेकेंडरी एंड प्राइमरी लेवल करिकुलम इंस्ट्रक्शन इवेल्युशन को रिलेशन और कई सारे एरियाज हैं जिसपे स्टडी होती है ना हाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट्स तो आ, बहुत सिर्फ लैंग्वेज साइंस एंड मैथ्स ही नहीं है कई और सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें रिसर्च होते हैं तो ये थ्री डी वे में रिसर्च होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसलिए थ्री डी मॉडल मैंने बनाया है कि लाइक स्टडी ऑफ़ करिकुलम ठीक है ऑफ मैथ्स एजुकेशन एट प्रोफेशनल लेवल है ना तो ये जैसे कि है है ना द स्टडी ऑफ करिकुलम ऑफ़ मैथ्स एजुकेशन एट प्रोफेशनल लेवल या स्टडी ऑफ करिकुलम ऑफ साइंस एट हायर लेवल तो या स्टडी ऑफ करिकुलम ऑफ साइंस एट सेकेंड्री लेवल है ना या दडी ऑफ इवेल्यूएशन या द को रिलेशन बिटवीन साइंस एंड मैथ्स एट प्राइमरी लेवल तो ये भी हो सकता है है ना तो इस तरह से ये थ्री मॉडल मैंने बनाया है इसीलिए कि ये इस तरह से स्कोप जो है एजुकेशन रिसर्च का ब्रॉडर एंड ब्रॉडर होता चला जाता है वाइड होता चला जाता है तो ये है स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च द थ्री डी मॉडल इंप्लाइज डेट द स्कोप ऑफ़ एजुकेशन रिसर्च इज़ रियली वाइड है ना तो ये मॉडल से आपको और क्लियर हो गया होगा कि स्कोप ऑफ एजुकेशन रिसर्च कितना वाइड है एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि वी कैन से इन लैंग्वेज एजुकेशन इन द एरिया ऑफ करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल एंड दैट सो ऑन ठीक है स्टडीज़ कैन बी क्लासिफाइड इन एनी ऑफ़ दिस कैटेगरीज इन रिसर्च ट्रेंड एनालिसिसरस ऑफ इन यूज दिस क्रॉस रेफरेंस टू अकोमडेट द फाइंडिंग और इस तरह से रिसर्चर जो है अपने फाइंडिंग्स को ढूंढने के लिए यूज करते हैं ठीक है तो कंक्लूशन पे आ जाते हैं एजुकेशनल रिसर्च चेंजेस विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑकर्स विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी बींग साइंटिफिक स्टडी ऑफ़ एजुकेशनल प्रोसेस इट इन्वॉल्व इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल रिसर्च तो है जो है वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट के साथ बढ़ता चला जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी है ना बींग साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इन इन्वॉल्व इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन कोई भी रिसर्च के लिए हमें दो चीज़ की तो जरूरत होती है एक इंडिविजुअल्स और दूसरा इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट टीचर एजुकेशनल मैनेजर या पेरेंट्स नहीं होंगे तो रिसर्च हो नहीं सकता बिना किसी स्कूल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के आप रिसर्च कर नहीं सकते हैं तो डिस्कवर फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशनल प्रोसेस मोर इफेक्टिव इट इंक्लूड्स प्रोसेस लाइक इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग कलेक्टिंग डेटा

और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है प्लानिंग होती है डेटा कलेक्ट किया जाता है प्रोसेसिंग होता है डेटा का देन हम उसके एनालिसिस करते हैं इंटरप्रटेशन होते हैं और तब जाके कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है एक प्रॉपर फाइंडिंग निकल कर आती है तो ये जो एजुकेशनल जो प्रोसेस होता है जो एजुकेशनल रिसर्च होता है वो सिर्फ ना ही फॉर्मल लेवल पे, बल्कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेवल ऑफ एजुकेशन पे भी हम रिसर्च कर, करते हैं ओके सो दैट्स व्हाट अबाउट एजुकेशनल रिसर्च और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना ओके थैंक यू